Hi everyone, this is Hani Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. उसका तो रिमोट कंट्रोल ना सलमा खाला के हाथ में। रिश्ते तो बहुत है लेकिन मेरी मानो मैरिज ब्यूरो में ना इसका नाम दे। इतना सुलझा हुआ, इतना शरीफ लड़का पूरे मोहल्ले। सलमा खाला आई होंगी है ना, जल्दी से उसका रिश्ता करो, वो शादी करे वरना जेनी मरीज बन जाएगी वो। कितने दिन हो गए तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं आया है। लेकिन जा तो सकता है ना। लेकिन लेके कहाँ जाएंगे बिस्मा? सलमा खाला के घर। वाह भाई वाह, एनिवर्सरी की पूरी तैयारी है, बस आप लोग भी जल्दी तैयार हो जाएं ताकि हम लोग केक काटें। हैप्पी हैप्पी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी डियर मामा। बेटा हम भी दूर पर बब्बा लगते हैं, आप भी कह रहे थे
यार अभी आपको भी शादी की बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। 25 साल गुजर गए। वैसे काश काश क्या तुम्हारी भी शादी। यार अम्मा प्लीज मेरा शादी नामा यहाँ मत खोल कर बैठ जाइएगा। हर बार एक ही राग अलापना जरूरी नहीं होता। हाँ भाई तुम पे तो किसी भी राग पाठ गीत गजल का कुछ असर नहीं होता। मुझ पर असर होता है गर्मा गर्म मजेदार सी चाय का। आप दोनों के लिए भी बना के लाती हूँ। तब तक आप लोग केक खाइए और चाय का इंतजार कीजिए। आपने देखा है जब भी मैं शादी की बात करती हूँ ये रस्सी छुड़ा के भाग जाती है। तुम्हें क्या लगता है हमारी बेटी हम पे बोझ है क्या? क्यों हर वक्त पीछे पड़ी रहती है उसके? आपकी इन्हीं बातों ने ना उसको खराब कर दिया है। केक खाओ यार, वेडिंग एनिवर्सरी दिन मूड खराब कर रही हो। चलो खा भाई। अरे बेटा ये केक किस खुशी में लेके आ गए तुम? हाँ बाबा ये केक है, बहुत ही बड़ी खुशी है आपके बेटे। बताओ। Your son has been promoted. Oh my God! माय बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you very much, बाबा and मामा। और ना सिर्फ प्रमोशन। Oh, this cannot be done. No, I'll do it. नहीं अभी कहा हुआ बिस्मा का रिश्ता? आई डोंट नो, ये नायला भी ना अजीब ही औरत है। उसे बेटी की कोई फिक्र ही नहीं है। अब हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत तो नहीं होता। यहां बीएससी की और वहां लंदन का रिश्ता भी आ गया। वाओ मुझे लग रहा है फहद आ गया। लेट मी चेक। अबे अबे ये किसका डॉगी है? अरे असलम भाई, असलम भाई कहाँ गए कहाँ गए? अरे असलम भाई, अरे कहाँ इसको पार्क कर गए अपने कुत्ते को? मैं सिर्फ दही लेके जा रहा हूँ। अच्छा दही ले जाओ। अबे दही कहाँ गया मेरा? ओ असलम भाई। क्या हो रहा है? उसके पीछे कुत्ता पड़ गया है। अरे असलम भाई सारा दही का, अरे कहाँ रह गए यार? sorry. असलम भाई चलो देखिए तो सही उसकी दही गिर गई। अच्छा बस चलो। ये क्या किया तुमने? सारा दही गिरा दिया, वो भी कुत्ते के खौफ में तुमने। अरे मामा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी भाई, गिर गया दही क्योंकि इस कदर बड़ा और खौफनाक कुत्ता था। मैं आपको क्या बताऊं? मुझे ये बताओ कब अकल आएगी तुम्हें, कब? अच्छा चले आप रिलैक्स मामा, रिलैक्स प्लीज। और मेरी अकल को छोड़े, ये सामने वाली जो नायला आंटी है उनकी बेटी को कुछ अकल दे। किसी को इतने खतरे में देखकर हंसा नहीं जाता। उसकी बेटी को क्यों देखूं? उसकी माँ को देखा है, कोई अकल नहीं उसमें। वरना कौन बिठा के रखते इतनी जवान औलाद को घर पे? शी इज नॉट बदर। बिस्मा फहद क्या सोच रहा होगा? अरे उस सुम्बुम बुकबुम ने क्या सोचना है, उसका तो रिमोट कंट्रोल ना सलमा खाला के हाथ में। वैसे थोड़ी सी शर्म करो, तुम्हें मालूम है इतना सुलझा हुआ इतना शरीफ लड़का पूरे मोहल्ले में नहीं है। आपको एक बात बता दूं अम्मी, उस तरह के ना पप्पू बच्चे बिल्कुल डिमांड में नहीं आजकल, बिल्कुल भी नहीं। लिए आ गया बुलावा मिर्जा साहब की बेटी की शादी का। हाय कहीं हमारा बुलावा तो नहीं आ जाएगा, हम कब ये खुशियाँ देखेंगे? खुदा के लिए अम्मा अब ये मत कह दीजिएगा कि मरने से पहले मैं तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाना चाहती हूँ। बड़े घिसे पेटे डायलॉग से। बात सुनो,
जब तुम माँ बनोगी ना तब मैं तुमसे पूछूंगी कि औलाद की खुशियां होती क्या है। अभी तो तुम पेट भर के अपने माँ बाप के जज्बात के साथ खेल लो। अरे यार अब्बी, ये फसादी काटना घर में लाया ही ना करें, अम्मा को ना किसी दिन हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे भाई, ये तो माँ बेटी का मामला है, मुझे इस बीच में मत खींचो। मैं तो बस इस शादी में जाऊंगा और बिरयानी खाऊंगा। कब ये शादी? संडे को। अरे वाह, इसका मतलब संडे अच्छा गुजर गया। वाह भाई वाह, और मेरी शामत आएगी। अम्मा, मेरा टॉवल किधर है? अम्मा, एक किस्मत वाली नू। अम्मा, ओ मेरी माँ, इस दुनिया की अजीम तरीन माँ कहाँ है? आपको पता है, आपके बगैर मेरा सूरज तुलू नहीं होता। इस बच्ची की रुखसती देखकर ना बस आंखों में आंसू आ गए। इस बच्ची की तो अभी उम्र ही क्या है, वो कौन सी के? बिल्कुल, 24 साल 6 माह और 10 दिन। कुछ पता है, निदा की शादी 23 साल में हो गई थी। अरे मेरा उसका क्या मुकाबला? मोहल्ले वाले तो बातें करते हैं ना। मोहल्ले वाले बातें नहीं करते, ये जो सलमा खाला है ना वो बातें करती हैं। तो मेरा बस चले ना तो मैं तो उनका हमारे घर आना ही बैन कर दूं। तुम हर वक्त क्यों पीछे पड़ी रहती हो उसके? मैं पीछे नहीं पड़ती, वो पीछे पड़ती है आपके। आए दिन घर आ जाती हैं, उल्टी सीधी बातें करती हैं, आपको डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा बस चुप, अब मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। नाश्ता खाए बगैर घर से नहीं निकलूंगी। भाई जल्दी ला दे, मेरा तो खड़ूस बॉस ना आजकल बहुत गुस्सा करता है। मुझे लगता है कि आजकल इसकी बीवी से नहीं बन रही। देख कर जाना। अच्छा हाँ हाँ, गाड़ी जरा आहिस्ते चलाना और वक्त पे खाना खा लेना। जी जी जी, सब कुछ कर लूंगी, आप फिक्र ना करें। एक घूंट पानी नहीं पीती हो? अल्लाह, पी लूंगी वो भी। भूलना नहीं, अच्छा, वरना फिर फोन करके रिमाइंड करवाऊं तुम्हें मैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। फहद बेटा। जी अंकल। ये बिजली का बिल जमा करवा देना। अरे जरूर करा देंगे, और आपका गैस का बिल भी जमा हो गया था। बहुत सारे काम निपटा देते हो सब। कोई मसला नहीं अंकल। थैंक यू, टेक केयर। घर पे कोई है? कहाँ गए सारे? नायला, सलमा, नायला, ये दिनों के बाद आई हो। तुम्हें तो खबर ही कुछ ऐसी थी कि मुझे अंदर तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। नायला, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, खबर ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे रुका नहीं गया। पहले प्लीज मुंह मीठा कर लो। मुझे लग रहा तुमने फहद का रिश्ता कर दिया। अरे फहद का नहीं, फहद तो जिस लड़की पे हाथ रखेगा ना वो लड़की फौरन हाँ कह देगी। इसमें कोई शक नहीं है, इतना फरमा बरदार है और इतना होनहार, बल्कि पूरा मोहल्ला तारीफें करता है उसकी। क्यों ना करे, वो मेरा बेटा है। और तुम मेरी निदा को देख लो, इतनी फरमा बरदार, इतनी सुगर है, तुम्हें पता है उसका अब बेटा हुआ है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। अच्छा सुनो, तुम्हारी बिस्मा से मेरी बेटी सिर्फ 6 महीने बड़ी थी, तो मैंने तो उसकी शादी भी कर दी। तुमने क्यों नहीं कुछ किया? अब सलमा, ये तो सब नसीबों की बात होती है। अच्छा छोड़ो ना, तुम आओ बैठो। सुनो ठीक है, किस्मत की बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन खुद भी हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। कह तो तुम ठीक रही हो। अब देखो ना, जहेज भी कितना शानदार दिया था हमने निदा को, सारे ससुराल वालों की आंखें भट्टी की भट्टी रह गई थी। इसमें ना माँ का सलीका नजर आता है। नए पर्दे हैं, पहले वो थे ना गंदे से नीले से फटे हुए, ये तो बड़े अच्छे हैं। शुक्र है तुमने चेंज कर दिए। बस वो बिस्मा को पसंद आ गए तो मैं ले आई। अल्लाह करे कोई इन्हीं पर्दों की तरह ना बिस्मा को पसंद करे और ले जाए। तुम्हें पता है, बार बार जब इस तरह रिश्ते रिजेक्ट होते हैं ना, तो लड़की में एहसास कमतरी आ जाती।
नहीं रिश्ते तो बहुत हैं लेकिन सलमा लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई रुकावट आ जाती है ना। मेरी मानो मैरिज ब्यूरो में ना इसका नाम दे दो, बहुत अच्छा रिश्ता आ जाएगा। और सुनो ये खा लेना तुम, ठीक है मैं जा रही हूँ, फहद आने वाला है। सुनो वो मैं कह रही थी कि निदा को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद देना। हाँ हाँ जरूर, तुम्हें पता है निदा 10-10 दफा फोन करती है लंदन से, अब उसका मियां इतना अमीर है, अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए। अच्छा मैं जा रही हूँ। नायरा वो चश्मा मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, ढूंढ ढूंढ के रख गया हूँ, कहीं मिल नहीं रहा। अरे चश्मे का पूछ रहा था, कहां चली गई तुम? रोटी जलने की स्मेल आ रही है मुझे। साथ में किसी का दिल भी जल रहा है। सारी रोटी जला दी, क्या करती हैं? इतना मूड क्यों ऑफ है? ओ सलमा खाला आई होंगी है ना, और उन्होंने वही अपने घिसे पिटे लंबे चौड़े लेक्चर झाड़े होंगे आप पे कि अभी तक बिस्मा की शादी क्यों नहीं हुई। निदा से सिर्फ 6 महीने छोटी है, नौ पे शादी ना हो तो रिश्ता नहीं मिलता ढंग का, होश के नाखून लो वगैरह वगैरह। ऐसे सॉरी टू से जो आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड है बड़ी ही कुछ शो ऑफ खातून है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, फिकर मत करो। अच्छा बात में बात मेरा हुआ, पूरा मोहल्ला जलता है मेरी खूबसूरती से। ये किस चैनल ने ब्रेक की है न्यूज आपके लिए? क्या मतलब है आप? अच्छा सुनिए, मेरी बेटी निदा उसकी शादी कहाँ हो रही है? लंदन। और मेरे बेटे की जॉब ऐसी है कि हर नौजवान चाहेगा कि ये जॉब मुझे मिल जाए, और मैं अपने बेटे की शादी इतने बड़े घराने में करूंगी कि सब अश्क करेगी। फिलहाल तो भूख लगी है और मैं रश रश कर जाऊंगा, आप खाना लगवा दीजिए प्लीज। क्या ऐसी शेरनी की नजरों से क्यों देख रही है मुझे? सारे रिश्ते तुम रिजेक्ट करती हो, सलमा को ऐसा लगता है कि रिश्ते वालों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है और इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। रिश्ते वालों के सवाल देखे आपने क्या होते हैं कि लड़की शादी के बाद जॉब करेगी कि नहीं करेगी, जॉब करेगी तो सैलरी मियां को देगी कि नहीं देगी, और जहेज में गाड़ी लाएगी कि नहीं लाएगी। लड़के वाले ऐसे ही सवाल करते हैं भाई। फिर मुझे नहीं देने इन ऊटपटांग सवालों के जवाब। भाई आप मुझे ये बताएं कि ये रिश्ते इन शर्तों पे जोड़े जाते हैं, और वो याद है वो बैंक मैनेजर की अम्मी, वो क्या कह रही थी कि इकलौती बेटी है आए दिन माँ बाप के घर पहुंच जाएगी। देखो उनकी बातें मुझे भी पसंद नहीं आई थी। और वो मिसेज रंधावा, वो कह रही थी कि शादी के बाद भी ऐसे कपड़े पहनोगी। भाई क्या बात हुई, मेरी ड्रेसिंग में क्या प्रॉब्लम है आप मुझे ये बताएं, और मैं सिर्फ शादी की स्टैंप लगाने के चक्करों में ये थर्ड क्लास लोगों को अपने सर पर बिठा लूं? तो फिर तुम ही मुझे बता दो कि मैं कहां से ढूंढ के लाऊं ये अच्छे ढंग के लोगों को तुम्हारे लिए। मत ढूंढे ना, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग इस तरह तीनों खुश नहीं रह रहे, और क्या मैं बहुत बूढ़ी हो रही हूँ, क्या आप पे बोझ हूं मैं? देखो सलमा कहती है कि जब लड़की की उम्र ज्यादा हो जाती है ना तो फिर उसको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। एक तो ये सलमा खाला की बातें, उनसे कहें कि अपनी बातें अपने तक ही रखा करें बल्कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। अरे क्या ध्यान, उसने अपनी बेटी ब्याह दी है। हाँ
और देखना उनके बेटे की बारी में उनको ऐसा मजा आएगा ना, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अल्लाह करे मेरी दुआ से कि उनके बेटे को ना हर कोई रिजेक्ट करके जाए। बेवकूफ लड़की, लड़कों को रिजेक्ट करता कौन है? क्यों, लड़के के आसमान से उतरते? अरे सुने सुने जरा अपनी अफलातून बेटी की बातें। अरे भाई ये मुबाहिसा तुम माँ बेटी आपस में जारी रखो, मैं तो जा रहा हूँ मिर्जा साहब के साथ शतरंज खेलने। अरे अरे आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप अपने मजे कर रही, बेटी अपने, सारी टेंशन मुझे। आप भी ऐसी हो जाए ना। ये ओफो कौन खड़ा कर गया, यहां पे कोई है? ये सॉरी मैडम, मैं लौट करवाने गया था। कॉमन सेंस है, कहां खड़ी करके गए हो? सॉरी बाजी, मैं हटा देता हूँ। हटाओ, जल्दी हटाओ, लेट हो रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा खाला, क्या हाल है? अब बस मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। ओके अल्लाह हाफिज। फायजा मुझे कोई बहुत अच्छा रिश्ता बताओ। देखो लोग अच्छे और शरीफ होने चाहिए, वरना वरना बिस्मा मुझसे खफा हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, वो कुछ गेस्ट आ गए, मैं करती हूँ। ओके नाइला कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो मुझे अच्छी सी गरम ब्लैक कॉफी बना के दो। बैठो मैं लाती हूँ। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था, तुम मेरी बात नहीं सुनती थी। सलमा बात किया है, सब ठीक तो है? तुमने कसम खा रखी थी ना कि बिस्मा का रिश्ता नहीं करना, अब भुगतो। अरे बताओ तो सही, बात क्या है आखिर? इतना चिड़चिड़ापन आ गया बिस्मा में, जाहिर है लोग आते हैं देखते हैं और फिर रिजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी अपसेट हो रही है और लोगों पर अपना गुस्सा निकाल रही है। नहीं नहीं सलमा, मेरी बिस्मा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उसे झगड़ते देखा एक मामूली रेडी वाले से। हाँ वो दरअसल ऑफिस के लिए लेट हो रही थी ना, तो इसीलिए उसने। प्लीज नायला ली, लेट वेट छोड़ दो, ये सब बहाने हैं। जल्दी से उसका रिश्ता करो, वो शादी करे और बस जाए अपने घर में, वरना जहरी मरीज बन जाएगी वो। अच्छा सलमा छोड़ दो प्लीज इन बातों को, तुम कॉफी पियो। हर दफा तुम ये कहते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
इधर देखिए, आज क्या फिर रोने का सेशन लगा है? नहीं तो। नहीं तो क्या, सब पता है मुझे आज सलमा खाल आई थी, सारी उनकी जहरीली जली गटी बातें सुनी, कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं आप? तो क्या करूं मैं, अब तुम खुद देखो कितने दिन हो गए तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं आया है। अब नहीं आया, सही कह रही हैं, लेकिन जा तो सकता है ना। क्या हो गया है बिस्मा, ये तो हमारे माशे के सख्त अगेंस्ट है। ओहो अब्बी जी, अब वैसे भी कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, और तोड़े ये नॉम शॉम, छोड़े इसे। लेकिन हम ये रिश्ता लेके कहाँ जाएंगे? सलमा खाला के हैं, सुना उनका बेटा बड़ा मैच्योर है। हाँ है तो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ है, शरीफ है, और मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम वहाँ उन्हें रिजेक्ट करने के लिए जाएंगे। अब जल्दी से सलमा खाला को फोन मिलाइए और उन्हें बताइए कि उनका लड़का देखने के लिए आ रहे हैं। क्या हो गया बेटा? अरे अभी आए दिन आके मेरी अम्मी को रुलाती है, जरा उन्हें भी तो पता चले कि रिजेक्शन का दुख क्या होता है। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, अब वक्त आ गया है कि सलमा खाला को ना सबक सिखाया जाए। क्या बातें कर रही हो, हमारे पड़ोसी है वो। हाँ तो उन्होंने कभी ख्याल किया अभी अम्मी को इतना परेशान करती है वो, अब जरा हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें। नहीं लेकिन मैं वहाँ जाके कहूंगी क्या? अरे ये मैं आपको बताऊंगी, आप जल्दी से उन्हें फोन करें, बल्कि मैं फोन लेकर आती हूँ। अरे ये भाई ये क्या चाहती है? जी क्या पता क्या चाहती है। पता है आप मेरी बात नहीं सुन रहे, कितने दिन से मैं कह रही हूँ फिल्म देखने चलते हैं, आप सुन ही नहीं रहे, मुझे लेके जाए आप। अरे भाई देख रहे हो, तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी को लंदन भेजा तो कितनी मॉडर्न हो गई। अरे तो ठीक कह रही है मामा, ले जाए उनको बेचारे को फिल्म देखने, वीकेंड है वैसे भी आज। अरे अरे इसको बाहर फेंको, कोई भी नहीं यूज करता, एम्बैरेसमेंट है। हेलो हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर चाय पीने, और तुम्हारा बेटा देखे अपनी अपनी बेटी के लिए। हेलो खुदा हाफिज। हेलो मेरे मुंह पे फोन काटती है। ये क्या करवा दिया तुमने, मरवाओगी तुम हम दोनों को, अब क्या होगा? अब तो बस आप देखें कि होता क्या है। ये पागल तो नहीं होगी नायला, कहती है कि बिस्मा का रिश्ता लेके आ रही है तुम्हारे लिए, मुझसे पूछा भी नहीं। वाकई मेरा रिश्ता, वाह। बेवकूफ लड़के तुम्हारा रिश्ता देखने आ रहे हो? अरे वाह क्या वाकई, इसकी तो ऐसी तैसी भेज दूंगी, हिम्मत कैसी हुई ऐसे सोचने की भी। अच्छा मामा रिलैक्स हो जाए आप, शायद वो लोग मजाक कर रहे होंगे। अच्छा मजाक में इस तरह मुंह उठा के रिश्ता लेने आ जाते हैं? अच्छा भाई अच्छा आने तो दें, बहुत दिन हो गए नासिर साहब से मुलाकात किए हुए, अब यहाँ तुम इधर प्रैक्टिस करो शर्माने वर्माने क्या है ना, और चाय भी लेके आऊंगा मैं। हाँ हाँ बैठ आइए, जहर ना डाल दूं मैं इसकी चाय में। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें, आने तो दो उनको, अभी से पीछे पड़ गई उनके तुम है। तो बात सुनें, कोई चाय के लिए कुछ सामान मंगवाना होगा है, मैं ले आऊंगा जाके। आपका मतलब है रिश्ता लेने के लिए? अरे नहीं बहुत दिनों से फैमिली की गैदरिंग नहीं हुई थी, आप आ गए, फैमिली गैदरिंग हो गई है ना। सलमा खाल आपका बेटा नजर नहीं आ रहा। बस आता ही होगा, ये देखिए। नहीं 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 नहीं, माफ करना बहन, हमें तो तुम्हारा लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। चाल भी टेढ़ी है, जरा फिर से चल के दिखाओ। और इधर देखना, बाएं आंख दाएं आंख से छोटी है ना? भाई साहब आप प्लीज दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हमें आपका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं आया। चले
बेटा चाय। अरे अभी जब लड़का ही समझ में नहीं आया तो चाय का क्या करना है, चले उठे। अरे चाय तो भाभी, अरे भाई साहब चाय। चुप कर दे। कैसे लोग थे, किन्होंने बुलाया इन्हें? भंग भी रखी है जाहिल औरतें, मेरे इतने प्यारे बेटे को इतनी बातें सुना के, और तुम क्या कर रहे थे, तुम नुमाइश कर रहे थे आगे पीछे फिर के? अच्छा मामा मैं एक सेकंड आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम, ये क्या हो रहा है? अम्मा थोड़े और कीड़े निकालती ताकि खुलकर मजा तो आता। तुमने देखा नहीं था, मेरे थोड़े से कहने पर सलमा की शक्ल देखने वाली थी, मुझे तो लग रहा था उसको मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है। अरे भाई मुझे कम से कम चाय तो पी लेते तुम लोग। यार अब्बी यहाँ बना लेते, थोड़ा सुकून करे। आए वैसे मेरा बच्चा आज तो ना मेरे सीने में ठंड पड़ गई। कहीं वो लड़ने तो नहीं आ गए? अब नहीं 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 मैं देखती हूँ। चाय मम्मी बना दीजिएगा ना चाय अब्बी को। बना ही ना देंगे। मैं बना भी नहीं रही वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। ये जो भी आप थोड़ी देर पहले आई थी अपने पेरेंट्स के हमरा, ये घटिया हरकत का मतलब क्या था? रिश्ता देखने के लिए आए थे, नहीं पसंद आया तो रिजेक्ट कर दिया। मतलब आपकी जुर्रत कैसे हुई हरकत करने की? आप समझते क्या अपने आप को? अरे वाह, मैं तो समझ रही थी सलमा खाला परेशान होंगी, यहाँ तो पूरे घर में आग लगी हुई है। वेरी गुड। देखिए ये कोई मजाक नहीं, रिजेक्शन का मतलब समझती हैं? क्यों, रिजेक्शन बुरी होती है क्या? मुझे तो कोई 3 दफा रिजेक्ट कर चुका है, मैं लोगों को 6-7 दफा रिजेक्ट कर चुकी हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप होंगी ऐसी, मैं नहीं हूँ ऐसा। अरे भाई नहीं पसंद आए ना, क्या करूँ? क्यों बुराई क्या मुझमें? पता है क्या, तुम्हें देख के ना दिल में घंटी नहीं बजी, हवाएं नहीं चली, दिल धक धक नहीं किया, तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया। देखो माइंड मत करना, चलो ओके गुड नाइट। गुड नाइट। अरे रजा भाई कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अरे आप बात करने को रह क्या गया है? अरे भैया ये सब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तो ये उन बेवकूफ औरतों का क्या धरा है? हाँ और क्या, तो ये था असल किस्सा, अब बताओ उसे मेरा क्या कसूर? अरे तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सारा कसूर सलमा बेगम का है, पता उनको कोई हक नहीं है किसी बच्चे के साथ ऐसा सलूक करे, बहुत बहुत अच्छा हुआ जो भी उनके साथ हुआ है। हाँ। फिर भी मैं अपनी इस कल वाली हरकत पे माजरा था। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? बस ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम रजा अंकल, कैसे हैं? तबीयत कुछ सेट नहीं लग रही आपकी? अब सेट हो गई तबीयत बिल्कुल। हाँ तो तुम ठीक हो ना? जी जी फर्स्ट क्लास। हाँ भाई चलो, अब हम वक्त तो दिन चढ़ जाएगा, हम तुम भी जॉगिंग करो हम भी करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ बेटा आ जाओ शाबाश। या बाबा परेशान हो? हाँ सोच रहा हूँ ये सब क्या हुआ, क्यों वो लोग रिजेक्ट करके चले गए इस तरह? यार तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी की शादी तो बहुत अच्छी जगह कर दी, अब उनके घर जाती है उनकी बेटी को ताने देती है, रिश्ता नहीं आ रहा, उम्र गुजर रही है, ऐसा है वैसा है, तो ये रिएक्शन तो एक नॉर्मल रिएक्शन होगा ना। रिएक्शन? नासिर भाई ने मुझे कहा है कि उन्होंने तुम्हारी अम्मा को सबक सिखाने के लिए यह मजाक किया था। What? तो ये मजाक था सारा? जी, और मिस्मा को सब पता था। Oh my God! अब देखो तुम जाओ माँ को समझाओ। हाँ। यार वैसे भी बहुत बुरी बात है लोगों की बेटियों पे इशारे करना, उंगलियां उठाना, है ना? बहुत बुरी बात, बिल्कुल नहीं करना चाहिए अम्मी को। चोट पड़ी।
Everything will be okay. Oh, wow. Thank you. अभी जाके अम्मा से बात करता हूँ. Yes. मामा! अरे अल्लाह मेरी बीवी को अकल दे दे. सुनिए बिस्मा, वो आपसे सॉरी कहना था. सॉरी फॉर? वो कल मैं थोड़ा ज्यादा. हाँ कुछ. हाँ जी, ओवर एक्ट. और हम लोगों ने भी कुछ असल में ज्यादा ही कर दिया था. सो एक्चुअली क्या है कि वो सलमा खाला है ना वो. आई नो. मुझे बाबा ने पूरी बात बताई. तो इट्स ओके. लेकिन प्लीज आप मेरी अम्मी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा. बिकॉज़ आई लव माय मॉम. आई लव माय मदर टू. तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि अगर उनकी आंखों में किसी की वजह से आंसू आए. ऑफ कोर्स किसे अच्छा लगता. वैसे अगर आप चाहें तो हम कहीं आराम से बैठ के बात करते हैं. बात तो खत्म हो गई है. हाँ खत्म तो हो गई थी बात, लेकिन आपने रिजेक्ट किया ना मुझे, तो इतना हक तो बनता है मेरा. एक कप कॉफी पिला सकती हैं आप? कैसा हक? भाई रिजेक्शन मिली है मुझे. मैं हर्ट हो सकता हूँ, मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ, मैं सुसाइड के बारे में सोच सकता हूँ अपनी नसें काट के. तो बंदा एक कॉफी तो पिला सकता है. लाइन शाइन मारने का प्लान तो नहीं है? अपना फोन दीजिए. खोल के दीजिए. ये मेरा नंबर है. आपको जब ऑफिस से ब्रेक हो तो आप मुझे कहीं पर भी कॉफी पिलाने ले जा सकती हैं. जी ठीक है, फिर मिलते हैं. श्योर. करती क्या हूँ नायला और उसकी बेटी का? लंदन तक नाम बर्बाद ना किया ना इसका, तो अपना नाम बदल दूंगी मैं.